फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंकिताज किचन। आज मैं बनाने वाली हूँ आपके लिए सागो मखाना बर्फी। बहुत ही टेस्टी होती है ये सागो मखाना बर्फी, देख के ही लग रहा होगा ना आपके मुंह में। और ये फास्ट की बर्फी होती है, हम इसे फास्ट में कुछ भी एनर्जी वाला अगर हमें खाना हो तो इस टाइप की अगर बर्फी बना लेंगे साबूदाने और मखाने से तो दिन भर एनर्जी फुल महसूस करेंगे। ये देखिए, हमने यहाँ पर एक कटोरी छोटी वाली साबूदाना लिया है और यहाँ पर मखाना, दोनों को हमें रोस्ट करना है। सबसे पहले हम साबूदाने को रोस्ट करेंगे, दोनों को हम अलग अलग रोस्ट करना है क्योंकि मखाने को बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत नहीं होती और साबूदाना हमें ये फ्लफी होने तक रोस्ट करना है। ये फूल जाता है थोड़ा थोड़ा सा और क्रंची हो जाता है एकदम। ये देखिए, मैं इसे रोस्ट कर रही हूँ। तब तक दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाइए, रेड बटन पर क्लिक करिए और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करिए। ये देखिए, अच्छे से रोस्ट हो गया, फूल गए दाने, मैंने इनको निकाल लिया है। अब उसी सेम पैन में हम अपने मखाने को रोस्ट करेंगे, बट लो फ्लेम पर ही हमें रोस्ट करना है, लो टू मीडियम, क्योंकि अगर हम एकदम हाई फ्लेम कर देंगे ना तो ये हमारे मखाने जल जाएंगे। हम मीडियम फ्लेम पर इनको क्रंची होने तक रोस्ट करेंगे, एकदम क्रंची कुरकुरे से हो जाएंगे, ये एकदम पाउडर फॉर्म में बनने लगेंगे। ये देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको, ये टूट रहा है ना आराम से, मतलब ये अच्छे से रोस्ट हो गया है। इनको साइड में कर लेंगे, हम निकाल देते हैं, ठंडा होने देते हैं। फिर एक बड़ी कढ़ाई में हम एक चम्मच घी डालेंगे, मोटे तले की कढ़ाई लेनी है हमें, कोई भी ले लें आप, और उसमें डालेंगे हम 1 लीटर फुल क्रीम दूध और इसको उबलने देते हैं, बहुत अच्छा सा बॉयल आने देते हैं। इसमें निकाल लेते हैं, फुल क्रीम दूध ही लें, बेटर होगा, हमें गाढ़ा दूध चाहिए, कोई भी ले सकते हैं, काओ भैंस का और या फिर अमूल मिल्क, जो भी हो, लेकिन फुल क्रीम होना चाहिए, पानी वाला दूध नहीं होना चाहिए। इसको हम उबलने देते हैं, तब तक हमने जो साबूदाने और मखाने रोस्ट किए थे उनको हम ग्राइंड कर लेंगे। अच्छे से फूल गए ना आप देख रहे हैं, अब इनको हम ग्राइंड कर लेते हैं। दोनों को डाल देते हैं एक मिक्सर ग्राइंडर में और इनको अच्छा से एक पाउडर फॉर्म तैयार कर लेते हैं, पाउडर बना लेते हैं इनका। ये देखिए, मैं सबको एक में डाल देती हूँ और इनको पाउडर बना देती हूँ। ये देखिए, अच्छा सा पाउडर बन गया है। इस पाउडर को हम एक बाउल में निकाल लेंगे और साइड में रख देंगे इसको। ये पाउडर मैंने निकाल लिया, आप देख रहे हैं कितना फाइन पाउडर बना है एकदम से, बहुत अच्छा, और रोस्ट हो गया है तो इसलिए कलर भी इसका इतना अच्छा आ रहा है। अब हमारा दूध यहाँ पर बॉयल हो गया है काफ़ी अच्छे से, ये देख रहे हैं बॉयल होने लगा है। अब इसको हम 15-20 मिनट इसी तरीके से मीडियम टू हाई फ्लेम पर चलाते रहेंगे और इसको हमें गाढ़ा होने तक पकाना है, एकदम रबड़ी फॉर्म में आ जाएगा, ये गाढ़ा होने लगेगा, काफ़ी थिक हो गया है पहले से। अब यहाँ पर हम अपनी शुगर ऐड करेंगे कि कितना मीठा हम खाते हैं। मैं यहाँ पर 1 बाउल शुगर डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, ज़्यादा मीठा खाते हैं तो थोड़ा सा और ऐड कर दें। और यहाँ पर शुगर डाल के हम इसे चलाते रहेंगे और इसे गाढ़ा होने देंगे बहुत अच्छे से। ये और भी थोड़ा सा इसकी कंसिस्टेंसी थिक हो गई है, देखिए तब से कलर भी कितना चेंज हो गया। अब इस स्टेज पर आके हम अपने डालेंगे ड्राई फ्रूट्स, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर डाली है इलायची पाउडर, डाला है थोड़ा सा, बहुत अच्छी फ्लेवर आती है उसकी। और काजू बादाम किशमिश कुछ भी डाल सकते हैं आप, जो भी पसंद है। अब ये बहुत गाढ़ा हो चुका है, अब लास्ट में हम इसमें अपना ये ऐड करेंगे जो हमने पाउडर बनाया था मखाना और साबूदाना वाला। इसको पाउडर को मिला के हम चलाते रहेंगे, इसको कंसिस्टेंसी को कंटिन्यूस चलाना है, बिल्कुल भी हमें बीच में रुकना नहीं है क्योंकि नहीं तो इसके लम्स बन जाएंगे, बहुत अच्छे से ये मिल नहीं पाएगा। ये देखिए, चलाते चलाते हमारी ऐसी कंसिस्टेंसी आ जाएगी। और इसे हम फ्लेम कर देंगे अब लो मीडियम। अब इसको चलाना है, जब तक चलाना है ये कढ़ाई से एकदम सेपरेट ना होने लगे, घी ना छोड़ने लगे, एकदम मावा फॉर्म में आ जाएगा, थिक होने लगेगा बहुत ज़्यादा, तब तक हम इसे यूं ही चलाते रहेंगे। अब गैस बंद कर देते हैं इसकी। अब एक बर्तन में जिसमें हमें बर्फ़ी जमानी है उसकी हम ग्रीसिंग करके तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने बहुत अच्छे से ग्रीसिंग कर ली है इसकी। अब इसमें हम डालेंगे अपना, अभी हमने मावा फॉर्म में जो बर्फ़ी का पेस्ट तैयार किया था, अब इसको सारा मिक्सचर को हम इसमें डाल देंगे बहुत अच्छे से। और मोटी मोटी बर्फ़ी शेप लाने के लिए हमें थोड़ा मोटा मोटा ही इसमें फैलाना है, तो बहुत अच्छे से इसको भर देंगे। और ये देखिए, टैप कर देंगे अच्छे से, अच्छे से टैप हो जाए और गरम हाथ पे घी लगा के थोड़ा सा इसको ऐसे से प्रेस कर देंगे ताकि ये ऊपर की लेयर एकदम स्मूथ हो जाए। ये देखिए कितना स्मूथ सी हो गई है, बहुत अच्छी लग रही है ना देखने में, एकदम बहुत टेस्टी होती है ये बर्फ़ी, साथ ही साथ बहुत हेल्दी होती है, ड्राई फ्रूट्स के साथ बनी हुई है और ओनली दूध है इसमें, कुछ भी नहीं है। आप इसको व्रत में बना के आराम से खा सकते हैं, दिन भर इंजॉय कर सकते हैं, व्रत में एनर्जी रहेगी आपको। ऊपर से डाल देती हूँ थोड़ी सी बादाम की कतरन, बहुत ही अच्छी लगती है देखने में भी और खाने में भी। अब इसको हमें 2 घंटे के लिए रखना होगा सेट होने के लिए, 2 घंटे में ये आराम से ठंडी हो जाती है और बहुत अच्छे से जम जाती है।
दो घंटे हो गए हैं, चलिए इसको हम एक चाकू से देख रहे हैं ना कलर चेंज हो गया दो घंटे के बाद, अब एक नाइफ़ की हेल्प से हम इसको पीसेस कट करेंगे। ये देखिए मैं इस पीसेस कट कर रही हूँ, बहुत आसानी से कट जाते हैं, बिल्कुल भी ये चिपक नहीं रही है, बहुत अच्छे से जमकर तैयार हो गई है। इसके मन चाहे सेब के आप पीसेस कट कर सकते हैं, चाहे जैसी सेब आपको पसंद हो। मैं यहाँ पर स्क्वायर सेब के पीसेस कट कर रही हूँ, छोटे छोटे से, बहुत अच्छी लगती है ये खाने में। एक बार इस तरीके से आप ज़रूर ट्राई करें ये बर्फ़ी। कल आज हमारा नवरात्रि का व्रत है, तो आज ही हम लोग इस बर्फ़ी को ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी। और वीडियो लाइक करना बिल्कुल से ना भूलें, और अगर अभी तक आपने अगर बेल आइकन नहीं दबाया तो जल्दी से जाइए बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में।